लल्लनटॉप क्विज शो के दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली से आशुतोष मवार और आस्तिका शर्मा, अनिरुद्ध गुहा और अनिरुद्ध दुबे माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर से, और तीसरी टीम है अभिषेक कुमार वर्मा और विल्सन कंडुलना की एनआईटी दुर्गापुर से। से इंसान तक का सफर जिज्ञासाओं के सहारे बढ़ने का सफर रहा है, ये सवाल पूछने और जवाब हासिल करने का सफर है। आइए एक और सफर पर चलते हैं जिसकी मंजिल है द लल्लनटॉप क्विज शो, हिंदी का, हिंदुस्तान का, कॉलेज लेवल का सबसे बड़ा क्विज शो। हमारे बुजुर्ग दुरुस्त लिख गए हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कौए सी चेष्टा बगुले सा ध्यान कुत्ते सी नींद कम आहार और घर तजना, ये पांच लक्षण हैं विद्यार्थियों के। विद्यार्थी, विद्या हासिल करने के अभ्यर्थी जो स्कूलों का पड़ाव पार कर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं, आइए उनके अभिनव ज्ञान का इम्तिहान शुरू करें, द लल्लनटॉप क्विज शो शुरू करें। पर क्विज खेलने के लिए जो तीन टीमें आई हैं उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको किसी और से मिलवाना चाहता हूं, हमारे आज के शो के मेहमान संपादक जी, वो जी जो हमारी टीमों के लिए मददगार साबित होंगी। और आज के शो में हमारी संपादक जी हैं प्रेरणा कौल मिश्रा, इंडिया टुडे ग्रुप की सोशल मीडिया एडिटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेरणा, थैंक यू सो मच। आपसे बात करेंगे पर पहले आपके काम का एक नजारा देख लेते हैं, प्ले द वीडियो प्लीज। इतने सारे सोशल मीडिया हो गए हैं कि मुझे तो पर्सनली लगता है कि सबके पासवर्ड याद रखना ही बड़ा मशक्कत का काम है, पर आप सब हैंडल करती हैं। प्रेरणा मुझे ये बताइए कि किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ, आपके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? सौरभ, ये तो बहुत ही सीजनल सवाल है। अच्छा। आप अगर मुझसे 4 साल पहले पूछते तो मैं कहती फेसबुक। Okay. आप अगर 2 साल पहले पूछते तो शायद ट्विटर और यूट्यूब, और आज अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो सर्टनली इंस्टाग्राम, और अगर कल आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो शायद टेलीग्राम, स्नैपचैट। सीजनल सवाल है, ये दुनिया रोज बदलती है एकदम। बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं परिचय के दूसरे पड़ाव की तरफ, मिलते हैं आज के शो के प्रतियोगियों से। शो में आज पहली टीम है दिल्ली के हिंदू कॉलेज की टीम, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आशुतोष मावर और आस्तिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु यार, तुम मुस्कुरा रहे हो लेकिन चश्मा लगा के बड़ा गंभीर दिख रहे हो, पर हमको बताया गया है कि तुम फिल्मों के जबर शौकीन हो। कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? कोई ऐसी फिल्म बताइए जो आपको लगता हो पब्लिक ने जितना देखना चाहिए था उतना नहीं देखी। तीसरी कसम। तीसरी कसम, वो मूवी बहुत अच्छी है अगर आप देखेंगे, लेकिन उस समय उसको बहुत कम लोगों द्वारा पसंद किया गया, पता नहीं उस समय क्या कारण रहे होंगे। और ये फिल्म ये दिखाती है कि हम कैसे प्यार तो हम कर लेते हैं लेकिन अंत तो वो हमें मिल नहीं पाता है। ओहो, सबसे भरे गीत। आस्तिका, आप अपने स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर रही हैं। जी हाँ। हमने तो फिल्मों में देखा है बड़े ग्लैमरस से, सच्ची मुच्ची में कैसा होता है ये? देखिए, 2016-17 का वर्ष था मेरा, जिस साल मैं 12वीं में थी और मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुनी गई। जैसा पिक्चरों में दिखाया गया है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो चुनौतियाँ पिक्चर में हैं वैसी रियल जीवन में नहीं होती। वो फर्जी है, ये असली है। जी, ये बहुत असली है। बिल्कुल। हिंदू कॉलेज की टीम से आपने मुलाकात की, अब बारी है ग्वालियर से आने वाले माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की टीम। इस टीम में नामा राशि है एक जैसे नाम वाले, अनिरुद्ध गुहा और अनिरुद्ध दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का।
आप कविता लिखते हैं अनिरुद्ध गुहा जी? जी सुनाइए। कविता का जो उन्वान है वो है श्राद्ध। श्राद्ध? श्राद्ध पक्ष में निकला मैं घर से, हाथ में लेकर भोग कौवे का। घर के ठीक सामने पार्क के ठीक मध्य में खड़ा है एक विशाल सा, घना सा, ओढ़े हुए वैराग्य पेड़ बरगद का। किसी साधु की लटकती लटाओं के समान लटकती उसकी जड़ें निरंतर विस्तार करती रहती हैं उसकी परिधि का। जब इसके इर्द गिर्द घेरा इतना सख्त नहीं था मकानों का, स्वतंत्र अकड़ कर खड़ा हुआ करता था वो। उसकी शाखों पर जमे रहते थे कौवे दिन रात, काकते शोर मचाते, जिनके बारे में अपनी पूरी आस्था से कहती थी नानी कि ये पितृ हैं हमारे। कहीं राह चलते लोग गुजरते खड़े हो जाया करते थे दो पल, चिलचिलाती दोपहरियों में छाह में इसकी। कॉलोनी जब बड़ी, आरक्षित कर लिया गया बरगद के आसपास का हिस्सा जहां उगाया गया एक उद्यान। न जाने क्यों मगर अब नहीं आते कौवे अपने प्यारे वटवृक्ष पर, नानी के श्राद्ध का भोग भी उस एकाकी वृक्ष के तले जो कत्यो पड़ा है। क्या बात, धार्मिक कविता आपकी अनिरुद्ध। अनिरुद्ध नंबर टू, अनिरुद्ध दुबे जी सर, किसने तुम्हें बताया कि बीटेक में बहुत स्कोप है? पर आप बीटेक को अपने लिए गलत जगह पाते हैं। जी सर, मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में था, मैं आर्ट्स में जाना चाहता था, लेकिन मेरे स्कोर और जेई रैंक इतनी अच्छी आई और स्टेट कॉलेज मिल गया मुझे। भारी मॉडेस्टी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे शो की तीसरी टीम है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT की टीम, और इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अभिषेक वर्मा और विल्सन कंडुलना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, आप एक बड़ा दिलचस्प स्कूल खोलना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। मैं एक ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ पे जीरो लेवल से पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी लेवल तक हो, गोकुल की तरह हो। बहुत खूब। विल्सन, आपका कहना है कि इस देश में साइंस को मज़ेदार ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, हम चाहते हैं कि ये देश साइंसकारी भी रहे और संस्कारी भी, आप कैसे साइंस को मज़ेदार ढंग से पढ़ाने की योजना बना रहे हैं? जैसे हमारे देश में पढ़ाई होता है साइंस, मोस्टली हम लोग थ्योरी के रूप में उसे लेते हैं। घोट लो बेटा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है अगर 10th लेवल तक की बात करें स्कूल के, तो वो देख के ज़्यादा सीखते हैं, इंटरेक्शन में ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर हमारे जो साइंस रहेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, अगर इंटरेक्टिव रहेगा, कुछ करके दिखाएंगे जो हमारे नेचर के आसपास है, कुछ भी अगर उसके थ्रू हम एग्जाम्पल से सिखाएंगे तो वो जल्दी कैच होता है। चलिए, ये थी दुर्गापुर के NIT की टीम। आप तीनों टीमों से मिल लिए, मेलजोल हो गया। अब क्विज शुरू करने का वक्त है, आमद के लिए तैयार हो जाइए। उनकी जो दावा करते हैं कि वो हर खबर पर नजर रखते हैं, आइए घुमाया जाए राउंड वन का लट्टू। लेट्स प्ले द सेगमेंट खबर बट्टू। इस राउंड में बजर का इस्तेमाल करते हुए हर टीम को दी गई न्यूज स्ट्रीम से एक सेट चुनना होगा और कोशिश करनी होगी कि चुने गए सेट के तीनों सवालों का सही जवाब दें। हर सवाल के 100 अंक हैं। किसी भी एक सवाल पर टीम संपादक जी से मदद भी ले सकती है और मुश्किल में पड़ने पर टीमें जवाब को उल्टा पुल्टा करके भी देख सकती हैं। लेकिन इस सूरत में सही जवाब पर सिर्फ 50 अंक दिए जाएंगे। किसी भी सहायता के बिना तीनों सवालों के सही जवाब देने पर टीम को 100 अंकों का बोनस भी मिलेगा। इस राउंड में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। खेलने को तैयार? हाथ बजर पर रखें। आपने नियम सुन लिए, तीन तीन विषयों का समूह, जिस समूह का आप चुनाव करेंगे उससे जुड़े सवालों का आपको जवाब देना होगा। टीमें तैयार? तो फिर समूह दिखाए जाएं। हिंदू कॉलेज, आपने तीन विषयों का चुनाव कर लिया है और जो विषय आपने चुने हैं वो हैं हैट्रिक, नरेंद्र मोदी और नेशनल फिल्म अवार्ड। पहला विषय हैट्रिक और उससे जुड़ा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगस्त 2019 में जसप्रीत बुमराह ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक ली थी? समय बीत रहा है। इंग्लैंड। इंग्लैंड, आपका जवाब है इंग्लैंड। और ये गलत जवाब है। आस्तिका गुस्से से देख रहे हैं कि क्रिकेट तो तुमको कवर करना था आशुतोष। सही जवाब है
वेस्ट इंडीज। तीसरे भारतीय बॉलर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली। कोई बात नहीं, ये पहला सवाल है, हौसला मत गवाइए। चलिए दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विषय आपने चुना था नरेंद्र मोदी, और उससे जुड़ा सवाल स्क्रीन पर यह रहा, किस विदेशी नेता ने चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया था? हमें संपादक जी की मदद, संपादक जी की मदद लेंगे, टाइम रोक दिया जाए प्लीज। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन, हम संपादक जी के साथ जाना चाहेंगे। आपका जवाब? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, बिल्कुल सही जवाब। आप खाता खोलने में सफल रहे हैं। इजराइल के साथ रिश्ते नरसिम्हा राव के दौर से पनपने शुरू हुए मुकम्मल ढंग से। नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा 2017 में गए। मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने हालिया चुनाव में कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी उनमें से एक थे। तीसरे विषय की तरफ चलते हैं। तीसरा विषय आपने चुना नेशनल फिल्म अवार्ड, और उससे जुड़ा सवाल स्क्रीन पर यह रहा, 2019 के नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म हेल्लारू किस भाषा में बनी थी? नेशनल फिल्म अवार्ड एनाग्राम, एनाग्राम दिखाइए, जवाब दीजिए। गुजराती। गुजराती, आपने कहा गुजराती एनाग्राम की मदद से, और ये सही है, बिल्कुल सही जवाब। अभिषेक शाह के निर्देशन वाली ये फिल्म पहली गुजराती फिल्म बनी जिसे इस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला हो। आपके खाते में जोड़ते हैं 150 पॉइंट्स। MITS ग्वालियर, NIT दुर्गापुर, आप तैयार हैं? चलिए, ये रहा समूहों का विकल्प आपके लिए। MITS ग्वालियर ने बजर दबाया और विषय चुने चंद्रयान 2 धारावाहिक और मिसाइल। चंद्रयान 2 से पहला सवाल स्क्रीन पर यह रहा, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने के बाद इसरो को यह ट्वीट किस स्पेस एजेंसी ने किया था? ट्वीट जिसमें लिखा था कि स्पेस इज हार्ड, वी कमेंड इसरोज कम अटेम्प्ट टू लैंड द चंद्रयान 2 मिशन ऑन द मून साउथ पोल, यू हैव इंस्पायर्ड अस विद योर जर्नी एंड लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर अवर सोलर सिस्टम टुगेदर। अमेरिका की नासा। अमेरिका की नासा, बिल्कुल सही जवाब है। 22 जुलाई को हमारा चंद्रयान मिशन शुरू हुआ था। मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, 90-95% सफल रहा। दूसरा विषय आपने चुना धारावाहिक। आपका सवाल स्क्रीन पर यह रहा, मशहूर जासूसी किरदार ब्योमकेश बख्शी इसे किस लेखक ने रचा था? शारदेंदु बंदोपाध्याय। शारदेंदु बंदोपाध्याय, आपका जवाब है, आपका टीवी देखना शौक है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। साल 1993 में दूरदर्शन पर यह सीरियल आता था, रजत कपूर इसमें लीड रोल करते थे। आपका चुना तीसरा विषय है मिसाइल, और उससे जुड़ा सवाल स्क्रीन पर यह रहा, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के नाम में रूस की किस नदी का जिक्र आता है? मस्कोवा नदी। तुरंत जवाब तैयार, और सही जवाब तैयार। तीनों सवालों के सही जवाब प्लस बोनस 400 पॉइंट चमक रहे हैं आपकी अंक तालिका में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी, इन दोनों नदियों के नामों को मिलाकर इसको नाम मिला। इसकी रफ्तार 4900 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना तेज है हमारी ये मिसाइल। NIT दुर्गापुर, दो टीमें तो पार लग गई, अब आपकी बारी है, विषयों का चुनाव करने के लिए तैयार हैं? है। ये रहे आपके विकल्प, लाल बटन दब गई है, और जो विषय चुने गए हैं वो हैं स्पीकर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कबड्डी। पहला विषय स्पीकर, और उससे जुड़ा सवाल स्क्रीन पर ये रहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम बिड़ला किस सीट से चुनाव जीते थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। समय बीत रहा है, मैम के पास। संपादक जी की मदद। ओके, इट्स कोटा।
कोटा। संपादक जी ने कहा कोटा और आपने भी कहा कोटा और ये बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान की कोटा लोकसभा, वहां से दूसरी बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीतकर ओम बिड़ला लोकसभा में पहुंचे और फिर अध्यक्ष बने। दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। आपने विषय चुना वर्ल्ड हेरिटेज साइट और उससे जुड़ा सवाल स्क्रीन पर यह रहा, जुलाई 2019 में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया? जयपुर। जयपुर। जयपुर सही जवाब। जंतर मंतर जयपुर का 2010 से ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन अब उस वॉल सिटी को भी ये दर्जा मिल गया है। तीसरा सवाल, तीसरा विषय जो आपने चुना उससे संबंधित, आपका विषय कबड्डी और सवाल ये रहा, 2019 में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले इस कबड्डी खिलाड़ी का नाम क्या है? कबड्डी देखते हैं। अगर बगर करें। आपको एनाग्राम की मदद चाहिए। एनाग्राम प्लीज। अजय ठाकुर। अजय ठाकुर आपका जवाब है और ये सही जवाब है। कमाल के प्लेयर हैं अजय ठाकुर। अभी प्रो कबड्डी लीग में तमिल थलाईवास के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम का भी हिस्सा है और पद्म पुरस्कार पाने वाले देश के पहले कबड्डी प्लेयर हैं। आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए लेकिन लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, इसलिए आपकी अंक तालिका में जुड़ते हैं 250 पॉइंट। पहला राउंड पूरा हो गया, कोई अपने दम पर, कोई उपलब्ध मददगारों के दम पर यहां तक पहुंचा है। आइए एक क्विक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पर। तीसरे नंबर पर है हिंदू कॉलेज की टीम 150 पॉइंट्स के साथ, दूसरे नंबर पर एनआईटी दुर्गापुर की टीम 250 पॉइंट्स के साथ और पहले नंबर पर एमआईटीएस ग्वालियर की टीम 400 पॉइंट्स के साथ। मेरे और आपके एक बुजुर्ग हुए हैं, साझा होते हैं, साहिर लुधियानवी नाम था उनका। क्या कमाल लिख गए हैं, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। लेकिन लल्लन टॉप के शो में जवाब हैं, ख्वाब हैं और ये किसी अकेले के नहीं हैं, जोड़ियों के हैं, जोड़ियां जो जड़ नहीं चेतन हैं। अब बारी है उनके समन्वय को, समय के संतुलन को, सूझबूझ को एक नए तरीके से भांपने की। ये सेगमेंट है जोरदार और इसका नाम है जोड़ीदार। इस राउंड में हर एक टीम को एक सवाल दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक विषय से जुड़ी 5 तस्वीरें और उसके 8 संभावित विकल्प दिखेंगे। टीमों को 5 तस्वीरों को उनके सही विकल्प से मिलाने के लिए 75 सेकंड्स का वक्त मिलेगा। हर एक सही मिलान के लिए 50 अंक मिलेंगे। टीम का एक सदस्य इंटरनेट पर गूगल बाबा के जरिए सही जवाब तलाश सकता है। इस चुनौती के अंतिम 30 सेकंड में संपादक जी की मदद भी ली जा सकती है। अगर आप संपादक जी की मदद के बिना सभी जोड़ियां सही बना देते हैं तो आपको मिलेंगे बोनस के 100 अंक। तो जोड़ी बनाने के लिए तैयार हैं आप? नियम कानून समझ लिए तीनों टीमों ने? शुरू करते हैं। हिंदू कॉलेज पहली जोड़ी, आपके लिए स्क्रीन पर सवाल रहा ये, आपको इन मशहूर ब्रांड्स को उनकी टैगलाइन से मिलाना है, मगर उससे पहले टीम के एक साथी को ज्ञान के अड्डे पर आना है। कौन आएगा आपसे? मैं। आशुतोष आइए, अपना जगह लीजिए। चलिए फिर देखते हैं आपके लिए वो 5 ब्रांड कौन से हैं, स्क्रीन पर दिखाए जाएं प्लीज। प्रिया गोल्ड, मेंटोस, एल्पेनलीबे, क्लोरमिंट और टाटा टी, और इसके लिए 8 विकल्प ये रहे। समय शुरू हो चुका है, आपको इन ब्रांड्स की टैगलाइन बतानी है। टाटा टी की जागो रहे। टाटा टी की जागो रहे। टाटा टी जागो रहे। प्रिया गोल्ड, मेंटोस दीवार की बत्ती जला दे। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। आप उनको बता भी सकती हैं कि क्या गूगल करना है? क्लोरोमेंट दोबारा, ये क्लोरोमेंट करो। क्लोरोमेंट एल्पन लीवे जी ललचाए रहा ना जाए। एल्पन लीवे जी ललचाए रहा ना जाए। नहीं रुक जाओ, प्रिया गोल्ड हक से मारो। रुक जाओ बोल रहे हैं, क्या रुकना है कि लॉक करना है? जी ललचाए रहा ना जाए। एल्पन लीवे जी ललचाए रहा ना जाए। प्रिया गोल्ड बिस्किट हक से मांगो। प्रिया गोल्ड बिस्किट हक से मांगो।
आखिरी 30 सेकंड है, अब आप संपादक जी की क्लोरोमेंट दोबारा मत पूछना। एक मिनट बोल रहे हैं आपके साथी। बोल जल्दी आपके साथी बोल रहे हैं। बिना तैयारी के ये फाइनल आंसर है आपके आस्तिका? कर दूं लॉक? नहीं उसकी हो गई क्या? हाँ हो गई। क्लोरोमेंट की ठीक है तेरे लिए? क्लोरोमेंट की तेरे लिए ठीक है। लॉक लॉक किया जाए। आइए वापस आशुतोष, देखते हैं। आपने पहला ब्रांड बताया टाटा टी जागोरे, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। जी बिल्कुल सही जी है। आपने कहा एल्पिन लीवे जी ललचाए रहा न जाए। ऑडियंस भी सर हिला रही है। बिल्कुल सही जवाब है ये। प्रिया गोल्ड बिस्किट हक से सही है। बिल्कुल सही है। पर क्लोरोमेंट में आपने कहा दोबारा मत पूछना। पता नहीं सर, सही होगा आपका संशय था? हाँ सर बिल्कुल। ये जवाब अगर आप सही देती तो आपको 100 बोनस पॉइंट मिलते, और वो मिल गए हैं। पांच सही सवालों के जवाब 250 पॉइंट्स उसके, और बोनस पॉइंट के 100 पॉइंट्स और 350 पॉइंट्स आपके खाते में जुड़ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ, MITS ग्वालियर की टीम। तैयार? जी। तो फिर स्क्रीन भी तैयार है, सवाल दिखाया जाए। विलेन और फिल्म में सही मिला लिया तो हीरो बन जाओगे। कौन जाएगा ज्ञान के अड्डे पर? मैं जा रहा हूं। अनिरुद्ध गुहा जाइए। चलिए विलेन के लिए आपके पांच विकल्प ये रहे स्क्रीन पर, लंगड़ा त्यागी, गोकुल पंडित, प्रलय नाथ, कांचा चीना और डॉक्टर डैन। और इसके लिए स्क्रीन पर आठ विकल्प फिल्मों के ये रहे, लंगड़ा त्यागी ओमकारा, कांचा चीना अग्निपथ, प्रलयनाथ चेक करने है, गोकुल पंडित। क्या लग रहा है आपको? गोकुल पंडित दुश्मन जी। डॉक्टर डैंग कर्मा। प्रलयनाथ चेक करना एक बार। तिरंगा। प्रलयनाथ तिरंगा। अभी आपके पास 35-36 सेकंड बाकी हैं, आपको रिवाइज करना चाहिए। गोकुल पंडित एक बार चेक कर लेते हैं। गोकुल पंडित आपको क्या लगता है, दुश्मन के अलावा कुछ और भी हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, जहां तक मुझे लगता है दुश्मन ही होना चाहिए। दुश्मन? आपने ये फिल्म देखी है? देखी नहीं, लेकिन आशुतोष जी को फॉलो करता हूं। आशुतोष जी को फॉलो करते हैं। एमपी कनेक्शन है एमपी सर, हमारे यहां से ही है। आपके यहां से दुश्मन? सही है दुश्मन। ठीक है, दोस्त ने कहा कि दुश्मन। डॉक्टर डैंग कर्मा चेक कर लो एक बार। आखिरी 10 सेकंड है, ये पांचों जवाब लॉक किए जाएं। सर चेक कर, लॉक कर दीजिए। लॉक किया जाए। आइए अनिरुद्ध गुहा वापस अपनी सीट पर आइए, देखते हैं अनिरुद्ध जी फिल्मों में कितने निपुण हैं। आपने कहा लंगड़ा त्यागी ओमकारा, सही जवाब है। आपने कहा कांचा चीना अग्निपथ, सही जवाब। संजय दत्त ने अपनी मूछें सर और भौहें भी मुड़वा ली थी, बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे शूट के बाद उनको। आपने कहा गोकुल पंडित दुश्मन, पर श्योर नहीं थे। सर्च कर लिया था और आप बोल रहे हैं कि आप आशुतोष के फैन हैं। जी बिल्कुल। फैन का जवाब सही है। चलिए आपने कहा डॉक्टर डैंग कर्मा, ये भी सही जवाब है। प्रलयनाथ तिरंगा, गेंडा स्वामी अगर पता चल जाता तो कंफर्म ही था।
प्रलय नाथ ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव के फैन है आप जी या इंस्पेक्टर वागले के दोनों के सर दोनों के फैन है और ये सही जवाब है पांचों सवालों के सही जवाब इसलिए 100 पॉइंट बोनस के भी मिलते हैं और MITS ग्वालियर के खाते में जोड़ते हैं 350 पॉइंट चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं NIT दुर्गापुर की टीम आइए देखते हैं आपके मुकद्दर में क्या है स्क्रीन रोशन की जाए क्रिकेट वर्ल्ड कप का साल और उसके उपविजेता कौन जाएगा अभिषेक और विल्सन में से मैं जाऊंगा जाइए विल्सन ज्ञान अड्डा आपका इंतजार कर रहा है चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप के वर्ष और उनके उपविजेता वर्ष का विकल्प स्क्रीन पर यह रहा 1992, 1999, 2015, 2007 और 1975 आपको स्क्रीन पर विजेता दिख रहे हैं आपको उपविजेता बताने हैं और उसके लिए 8 विकल्प स्क्रीन पर ये रहे 75 सेकंड का समय स्टार्टिंग से सर्च करो स्टार्टिंग से सर्च करो बात करते रहिए ताकि उनको पता हो क्या टाइप करना है क्या लग रहे हैं आपको विकल्प क्रिकेट आपके साथ ही देखते हैं 75 ऑस्ट्रेलिया ये लॉक करें लिखे 1975 ऑस्ट्रेलिया बाकी 92 99 15 7 1992 का पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वक्त बीत रहा है आखिरी 30 सेकंड आप संपादक जी की मदद ले सकती हैं मैम बताइए बताइए प्रेरणा जी ओके आई कैन मेक अ गेस 1992 99 आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं 92 वाज इंग्लैंड गो टू गूगल यू कैन चेक देयर जी आपने बताया 92 इंग्लैंड 92 इंग्लैंड 99 श्रीलंका 99 श्रीलंका 215 न्यूजीलैंड साथ न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज टाइम अप सॉरी वापस आ जाइए विल्सन चलिए आपने सबसे पहले कहा 1975 ऑस्ट्रेलिया स्क्रीन पर क्लाइवलाइट जीते और जो हारी थी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी सही जवाब 1992 संपादक जी की मदद से आपने बताया इंग्लैंड अगर संपादक जी गूगल का इस्तेमाल करती तो आपको सही जवाब देती पर बिना गूगल के भी सही जवाब है तीसरा विकल्प आपने बताया 1999 श्रीलंका आपने श्रीलंका कहा सही जवाब होता पाकिस्तान ये गलत जवाब है दो विकल्प बचे हैं 2015 का वर्ल्ड कप और 2007 का वर्ल्ड कप 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के जीत के बाद वापस से खिताब हासिल किया न्यूजीलैंड को हरा के आपको याद था फिर बताया क्यों नहीं आपने तो आगे दिक्कत हो रही है और 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी और तब इन्होंने हराया था श्रीलंका को दो सवालों के आपने सही जवाब दिए अंक तालिका में आपकी टीम के आगे 100 पॉइंट्स जुड़ते हैं आपने देखा कई बार जवाब पता होते हैं पर भरोसे की कमी होती है और कई बार उन तरीकों को हम सही वक्त पर हासिल नहीं कर पाते जिनके जरिए जवाब खोजे जा सकते हैं दूसरा मोर्चा पूरा हुआ ललन टॉप के शो का एक क्विक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर NIT दुर्गापुर की टीम 350 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हिंदू कॉलेज दिल्ली की टीम 500 पॉइंट्स के साथ और पहले नंबर पर MITS ग्वालियर की टीम 750 पॉइंट्स के साथ यस महोदय से पूछते हैं संपादक जी से आपकी नजर में वो कौन सी जोड़ी है ये कोई ऐप हो सकती है कोई शख्सियत हो सकती है जो कमाल की है मुझे लगता है कि यूट्यूब और फेसबुक की जोड़ी YouTube और Facebook की जोड़ी उनके बीच तो जबर मुकाबला है लेकिन आजकल ये जो बच्चे बैठे हुए हमारे सब न्यूज़ जो है उसी पे कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए तो वो माई बाप हैं
YouTube और Facebook की जोड़ी, हम मीडिया वालों के लिए जोड़ी नंबर वन। एब्सोल्युटली। अब तेज दौड़ना है, फटाफट जवाब देना है, चूक की गुंजाइश नहीं, दांव पर 700 पॉइंट जो पूरा खेल बदल सकते हैं। तो फिर देखी जाए दम भर होड़, इस सेगमेंट का नाम है ताबड़तोड़। इस राउंड में हम आपसे 7 ऑडियो विजुअल सवाल पूछेंगे। उत्तर देने के लिए कोई भी टीम बजर दबा सकती है। हर एक सही जवाब पर 100 अंक मिलेंगे और गलत जवाब पर 100 अंक काट लिए जाएंगे। आपको बजर दबाते ही जवाब देना होगा, वरना 100 अंक काटे जाएंगे। इस राउंड में सवाल पास नहीं होंगे। तो आइए खेलते हैं ताबड़तोड़। शुरू किया जाए ताबड़तोड़। पहला सवाल स्क्रीन पर, आपको बताना है कि ये किस व्यक्ति की आवाज है। प्लीज प्ले द ऑडियो। हम अगर चाहते भी ना चाहते, हम चाहते भी कि एक दूसरे से दोस्ताना माहौल में क्रिकेट हो, वो क्राउड इतना प्रेशर डाल देता था कि प्लेयर मजबूर हो जाते थे एक दूसरे के। MITS ग्वालियर। इमरान खान। MITS ग्वालियर के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उन्हें अंदाजा है ये बिल्कुल सही जवाब है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शारजा की इंडिया पाकिस्तान की मशहूर क्रिकेट राइवलरी की बात कर रहे थे। दूसरा सवाल, आपको एक वीडियो क्लिप नजर आएगी, ये कला का, पेंटिंग का एक नमूना है, आपको बताना है ये कौन सी कला है। प्लीज प्ले द वीडियो। NIT दुर्गापुर। मधुबनी मिथिला पेंटिंग। सही जवाब। बिहार में मिथिला के इलाके में ये पेंटिंग बनाई जाती है, अद्भुत चितेरे जो लोक कला के जरिए रंगों को, कथानकों को रामायण के काल से अब तक जीवंत रखे हुए हैं। तीसरे सवाल के लिए तैयार हो जाइए, आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई देगी, आपको बताना है कि इन नेताजी को 2019 के लोकसभा चुनाव में किसने हराया था। ऑडियो क्लिप सुनिए फिर। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, क्या कोई भी इंसान। NIT दुर्गापुर। गिरिराज सिंह हराया था कन्हैया कुमार। गिरिराज सिंह ने हराया था कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को, बिल्कुल सही जवाब NIT दुर्गापुर आपका। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना है ये कौन से कैबिनेट मंत्री हैं। प्लीज प्ले द वीडियो। हिंदू कॉलेज दिल्ली। सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर सही जवाब है। एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा के अफसर रहे, सभी अहम और बड़े पदों पर रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपको एक ऑडियो सुनाई देगा, आपको बताना है ये किस फिल्म डायरेक्टर की आवाज है। प्लीज प्ले द ऑडियो। आप ना सिर्फ धर्म को बदनाम कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हो, आप श्रीराम को बदनाम कर रहे हो। श्रीराम का नाम जो है ऐसे नहीं लिया जाता था। MITS ग्वालियर। विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री गलत जवाब है। आपको किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई अंदाजा लगाना चाहता है। जी हिंदू कॉलेज। अनुराग कश्यप सही जवाब होता। करीबी मुकाबला है हिंदू कॉलेज 600 पॉइंट्स, MITS ग्वालियर 750 और NIT दुर्गापुर 550। अब बारी है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की, तैयार। एक वीडियो नजर आएगा, आपको बताना है ये एक्टर कौन है। प्लीज प्ले द वीडियो। मेरी सच कोई तैयारी नहीं थी उतनी, हाँ थोड़ी सी जो डिटेल्स। NIT दुर्गापुर। पंकज त्रिपाठी। NIT दुर्गापुर ने कहा पंकज त्रिपाठी और ये सही जवाब है। बिहार गोपालगंज के कमाल हरफनमौला एक्टर पंकज त्रिपाठी, बेहद प्रेरक जिंदगी। सातवां और आखिरी सवाल जो हमें देगा आज का विजेता, हिंदू कॉलेज 600 पॉइंट्स, MITS 750, NIT दुर्गापुर 650। सातवां सवाल स्क्रीन पर, आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई देगी, आपको बताना है
किस क्रिकेटर के बारे में इस ऑडियो क्लिप में बात हो रही है? प्लीज प्ले द ऑडियो। उस टाइम पे एक फेज में जो उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, हम लोगों को हमेशा से पता था कि उनको MITS ग्वालियर फटाफट जवाब दीजिए। धोनी के बारे में बात हो रही है। धोनी के बारे में बात हो रही है। MITS ग्वालियर आप 750 पॉइंट्स पर थे। आपको पता है गलत जवाब देने पर -100 हो जाएगा, पर ये सही जवाब है। आइए स्वागत है आपका MITS ग्वालियर हमारे आज के शो के विजेता अनिरुद्ध। एंड अनिरुद्ध बहुत बहुत मुबारकबाद। अनिरुद्ध गुहा, अनिरुद्ध दुबे, आपने पूरी क्लिप भी नहीं सुनी और बदर बदा दिया, अंदाजा लग गया था कि ये किसके बारे में बात हो रही है। थैंक यू सो मच प्रेरणा कौल मिश्रा, सोशल मीडिया इंटर इंडिया टुडे ग्रुप। दूसरा शो, कमाल का शो, आखिरी सवाल तक खिंचा शो। जब भी हम कोई मैच वगैरह देखते हैं तो ऐसे ही रोमांच की मांग करते हैं, कल्पना करते हैं। बोली जिसके जरिए इन्होंने अपने सवाल लॉक किए, ये अनमोल है। कैसे है बोली? एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कबीर बाबा का ये दोहा हमेशा याद रखिए। बोली विजेता बना सकती है, बोली वैमनस्य पैदा कर सकती है, इसलिए बोलने से पहले तौलिए। इसी अर्जित ज्ञान के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगले हफ्ते ज्ञान के कुछ नए रोशन पखेरु उड़ेंगे इस संगत में जिसका नाम है दी लल्लनटॉप क्विज शो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।